नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्मार्ट जितेंद्र। दोस्तों आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक खास बात बताने जा रहा हूं जो कि हर यूट्यूबर के मन में चलते रहता है। दोस्तों मैं एक बार गलती किया लेकिन आप नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों हर यूट्यूबर के मन में रहता है कि कब उसका $10 हो उसके एडसेंस अकाउंट में और उसका पिन वेरिफिकेशन लेटर उनके घर आए। तो यही मैंने वेरिफिकेशन के दौर में मैंने एक गलती किया जो कि आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि आप इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितनी वीडियो डालें सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मोबाइल स्क्रीन पर लिए चलता हूँ। तो मैं ये अपना गूगल एडसेंस का प्रोफाइल को ओपन किया हूँ। देखिए मेरा ये $69.91 हो चुका है। तो यहाँ कम से कम $10 होना चाहिए आपको, $10, तभी आप पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपका $10 हो जाएगा तो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट को सेंड करना पड़ेगा। तो गूगल एडसेंस में डॉक्यूमेंट मांगता है पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इंटरनेशनल आईडी कार्ड मांगता है। तो ये तीनों हर किसी के पास नहीं रहता, जैसे कि मेरे पास भी नहीं था। तो मैं क्या किया कि अपना वोटर कार्ड को सेंड कर दिया यूट्यूब को, ठीक है? आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना है, उसके बाद ही उधर से आपको वेरिफिकेशन के लिए पिन आएगा आपके एड्रेस पर। दोस्तों जब मैंने अपना एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अपना वोटर कार्ड गूगल एडसेंस को सबमिट किया तो कुछ ही घंटे के बाद मुझे मेल आया कि और उसमें लिखा था कि आपका एड्रेस प्रोफाइल में जो है आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रहा है। तो मैं हैरान हो गया क्योंकि कुछ मैंने गलती ही नहीं किया था। उसके बाद मेरे मन में तरह तरह का सवाल आने लगा कि हे भगवान, एक बार तो कैंसिल हो गया, अब दूसरी बार भी अगर देता हूँ तो फिर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा एडसेंस अकाउंट ही बंद हो जाएगा। तो मैंने सोच समझ करके अपना आधार कार्ड लिया और आधार कार्ड में जो भी एड्रेस था हूबहू मैंने अपने एडसेंस अकाउंट में एडिट कर दिया। उसके बाद हम सेंड कर दिए तो कुछ ही घंटे के बाद मेल आया कि आपका वेरीफाई हो चुका है और आपको पिन वेरीफिकेशन के लेटर भेज दिया गया है। यहाँ से 2-3 हफ्ते में आपके घर तक पहुंच जाएगा। दोस्तों मेरा उसमें गलती क्या था, वोटर कार्ड और आप मेरे गूगल एडसेंस में वो भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो यही है मेरा पहले जो लिख रखा था गूगल एडसेंस के प्रोफाइल में, यही था मेरा एड्रेस। तो इसमें मेरा नाम है मिस्टर जितेंद्र दास और मेरा जो वोटर आई कार्ड में था सिर्फ जितेंद्र दास था। इतना सा ही के लिए मेरा वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गया। तो दोस्तों आप इतना सा भी गलती नहीं कीजिए, ठीक है? जो हो बहु रहे आपके डॉक्यूमेंट में आप वही उसमें दीजिए और वही सबमिट कीजिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तरह तरह का वीडियो लाते रहता हूँ, ना जाने आपके काबिल का कब एक वीडियो बना डालूँ जिससे आपका काम बन जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।